प्रशासन के सामने ये बड़ी समस्या थी कि पहले इन्हीं को जितने भी जमाती थे सबको खोज कर लाना और उनकी सैंपलिंग करना। अब जब जब जमातियों की सैंपलिंग हो गई और उनके नतीजे सामने आ रहे हैं तो वो लोग किन किन लोगों से मिले हैं और किन इलाकों में गए हैं उन लोगों को खोजना और उनकी सैंपलिंग करना ये दूसरे चरण में होने वाला है। जल्दी प्रशासन इसके लिए काम करेगा, इसीलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जिन 10 मस्जिदों में ये लोग रुके हुए थे उन मस्जिदों को भी सील कर दिया गया है, पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है। इसलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम। और अब खबर महाराजगंज से।